वर्मा साहब, बात यह है कि जो सीबीआई ने 9 घंटे कल अरविंद केजरीवाल जी को बिठाया, उनसे 56 क्वेश्चंस किए, अब आम आदमी पार्टी का ये बात साफ है, वो कह रहे हैं कि देखिए जो भाजपा है, जो आपकी पार्टी है, भाजपा ने और प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है सीबीआई को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कि अल्टीमेटली आप अरेस्ट करें अरविंद केजरीवाल को, वो कुछ जवाब दें, वो प्रॉपर नहीं होगा, उनको बोला जाएगा कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। देखिए, अगर किसी भी केस में कोई सबूत नहीं होते हैं, कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, तो कभी भी सीबीआई ऐसे कोई अपना काम नहीं करती है कि कोई भी अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को बुलाकर 9.5 घंटे के लिए पूछताछ करना, और ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सीबीआई के पास में पर्याप्त सबूत हैं। उनके पास ये सबूत हैं कि दिल्ली में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और इसीलिए अगर घोटाला हुआ है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, आपको सीबीआई बुलाएगी, आपसे क्वेश्चनिंग करेगी। और ये बात अरविंद केजरीवाल को पता थी कि एक ना एक दिन उसको सीबीआई बुलाएगी, एजेंसियां बुलाएंगी, इसलिए उन्होंने उसी दिन से प्रधानमंत्री जी को गाली देना शुरू किया उनके बारे में, और ये सारा डिग्री का जो मामला आया ये सारा उन्होंने उठाना शुरू किया, ताकि ये लगे कि क्योंकि मैं ये बातें कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के बारे में, अपना क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसलिए ये सारे लोग मिलकर मुझको टारगेट कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए और अपना हमारे देश के लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करी। तो वो बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, वो अपना इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो कोई भी ड्रामा करके और वो क्या क्या लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, कि उनके दिमाग में ये लगे कि बीजेपी एक अपोजिशन को टारगेट कर रही है, ना कि कोई घोटाले को टारगेट कर रही है। ऐसा केजरीवाल एक अपना भोला भाला सा फेस लाकर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो स्पेशल सेशन बुलाते हैं असेंबली का, मगर कोई भी स्पेशल सेशन इसलिए नहीं बुलाते कि दिल्ली में आज भी लोगों को पीने का पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, अभी दिल्ली में कोविड इश्यूज हैं, इसके ऊपर में हेल्थ का कोई हमारा असेंबली का सेशन नहीं होता है, मगर उनसे कल वो 9 घंटे की क्वेश्चनिंग हुई है उसके ऊपर में स्पेशल सेशन हो रहा है, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। जो ये स्पेशल सेशन की आप बात कर रहे हैं वर्मा साहब, अभी सौरभ भारद्वाज भी हमसे जुड़े थे, आप कह रहे हैं, जैसे एलजी भी कह रहे हैं कि ये इलीगल है, रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है, ये चाहे पिक भी उन्होंने इसीलिए किया हो कि उनको ये प्रिविलेज उन्होंने एक्सरसाइज की कि उनको एक सेफ पैसेज मिल जाए, क्योंकि फिर जो डेफोमेशन है, ये सारे आप जो केसेस हैं उनपे अगर ये असेंबली में बोले आप उनपे नहीं लगा सकते हैं, तो एक प्रिविलेज है आम आदमी पार्टी के पास, वो प्रिविलेज है, उन्होंने एक्सरसाइज की और इसीलिए उन्होंने फ्लोर पे जो भाषण दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि असेंबली में वो जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये आज अपना स्पेशल सेशन बुलाया, क्योंकि उनको ये बात पता है कि वहां पर जाकर प्रधानमंत्री जी को गाली देना या सारी हमारी एजेंसियों को गाली देना, फौज को गाली देना, इसके ऊपर में कोई भी डिफेमेशन केस नहीं कर पाएगा। अगर यही सारी बातें वो असेंबली से बाहर आकर करेंगे, पब्लिक में जाकर करेंगे, तो उनके ऊपर में डिफेमेशन केस होगा और भी ज्यादा केसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उनको मालूम है कि कैसे बचकर निकलना है और कैसे लोगों को गुमराह करना है, तो वो अपनी चाल में अपनी बातों में हमारे देश की जनता को उलझा लेते हैं, दिल्ली की जनता को उलझा लेते हैं। तो मगर ये सारा एक अपना कॉवर्ड एक्ट है, तो एक वो मैं आपसे कहने लग गया हूं कि वो बहुत ही डरपोक से मुख्यमंत्री हैं, कि वो इतने डर गए हैं कि अपनी बात को जनता के सामने नहीं बोलते हैं और वो सेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि सेशन में अगर वो कोई भी बात बोलेंगे तो उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो पाएगी। परवेश साहब, वर्मा साहब के डरपोक हैं या जैसे आपने बोला स्मार्ट पॉलिटिशियन है, क्योंकि राहुल गांधी के जैसे अपनी सदस्यता नहीं खोना चाहते, तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रिविलेज को एक्सरसाइज किया और जो भाषण उन्होंने देना था पॉलिटिकल उन्होंने दिल्ली असेंबली में दिया। पर कहना आम आदमी पार्टी का ये है कि चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ बोल दें, अल्टीमेट एम है कि उनका अरेस्ट हो और आप दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करें, क्योंकि चाहे वो कुछ भी बोल दें, अल्टीमेटली आप का कहना है आम आदमी पार्टी का कि उनको आपको अरेस्ट करना है। ये भी नहीं कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं आप उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जान से मार सकते हैं। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनसे 56 क्वेश्चन अपना पूछे गए सीबीआई द्वारा,
अगर मैं समझता हूं कि अगर वो ईमानदारी से और सच्चाई से बात करते और वहां पे जवाब देते तो 4 घंटे में 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जा सकता था, मगर वो वहां पर जवाब नहीं दे रहे होंगे या सारी बातों को उलझा रहे होंगे, इसलिए उनको 9 साढ़े 9 घंटे का समय लगा। तो अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छे से जानता है कि घोटाला हुआ है। अब वो, मैं जो कहा कि वो स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने पास में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रखा, कहीं पर कोई भी उनके साइन नहीं है किसी भी फाइल के ऊपर में, तो उनको लगता है कि मेरे हर अपना करप्शन में सत्येंद्र जैन जेल जा सकता है, मनीष सिसोदिया जेल जा सकता है, मगर मैं नहीं जाऊंगा। तो उनका कोई मंत्री जेल जा सकता है क्योंकि वो उन्हीं से साइन कराता है, अपने कभी साइन नहीं करता है, तो उनको लगता है ये लोग जेल जाते रहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, तो अपना जनता की नजर में मैं हमेशा एक अपना ईमानदार नेता के रूप में बना रहूंगा। मगर इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अभी जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो लोग अभी अपना गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम लिया होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी है चाहे दिल्ली सरकार है, वहां पे अरविंद केजरीवाल के बिना कोई अपना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ही पूरी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का बॉस है। हम अपना देखते हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री भी कैसे उनके पीछे पीछे अपना दुम हिलाता चलता रहता है। तो पंजाब का सारा कामकाज छोड़कर, और कल वो क्योंकि क्वेश्चनिंग के लिए गया, तो पंजाब का मुख्यमंत्री सारा काम छोड़कर उनके पीछे लग गया। तो इसलिए कोई भी पॉलिसी आई, चाहे वो अपना लिकर पॉलिसी आई, चाहे और भी कोई बात हुई, तो बिना अरविंद केजरीवाल के तो कुछ नहीं हो सकता। अब इतना सारा पैसा अगर आया होगा और कहीं गया होगा, तो वो भी अरविंद केजरीवाल के परमिशन के बिना नहीं हो पाया होगा। तो चाहे वो गोवा के इलेक्शन में चला गया, अब ये लोग बार बार बोलते हैं कि 100 करोड़ रुपए अगर हमने चुराया है तो वो है कहाँ। तो भाई वो है कहाँ ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी, हमें तो नहीं पता वो कहाँ है। या तो ये आप अरविंद केजरीवाल बता सकता है वो पैसा कहाँ है, अब हम कैसे बताएं वो पैसा कहाँ है। तो वो पैसा कहीं ना कहीं चोरी हुआ है, वो पैसा हमारे अपना दिल्ली के रेवेन्यू को नुकसान हुआ है, वो पैसा आम आदमी पार्टी ने चुराया है, और वो लिकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल को इस बार अच्छे से ये बात मालूम पड़ गई है कि मनीष सिसोदिया के बाद में अगला नंबर उसका है और वो जरूर जेल जाएगा। परमा साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।